जबलपुर से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुख्यात बदमाश बबलू पंडा की हत्या कर दी गई है। जी हां, बदमाशों ने बबलू पंडा को गोली मार दी है। वहीं जुआ फड़ को लेकर यह विवाद हुआ था। हत्या का आरोपी बबलू पंडा था। वहीं बीजा डांडी क्षेत्र में यह हत्या की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो कुख्यात बदमाश बबलू पंडा की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने बबलू पंडा को गोली मार दी है। कुमार इंदर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, ये पूरा मामला क्या था, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, दरअसल जो बबलू पंडा की हत्या हुई है, ये हिस्ट्री सीटा रहा है और ये जेल काट कर भी आया है। दरअसल होता ये था कि इन लोग पहले यहाँ जुआ चलाते थे, लेकिन जबलपुर पुलिस की सख्ती के चलते इन लोग ने पिछले कई दिनों से मंडला जिला में डेरा डाला हुआ था और ये डेली वहाँ पे जुआ चलाते थे। कल भी यही हुआ कि ये जुए का फड़ जमा हुआ था वहाँ पे। फिर हुआ ये कि पैसे के आपसी के लेन देन में ये बताया जा रहा है कि विवाद हुआ, उसमें कुछ लोग वहाँ पहुंचे और उन्होंने बंदूक से इसको पहले गोली मारी और जब बबलू पंडा नीचे गिर गया और तो फिर उसके गले को काट दिया गया। इस तरह हत्या करके लोग भागे। लोगों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश पड़ी हुई थी, बाकी के आरोपी भाग गए। हालांकि पुलिस जांच पूछ कर रही है, ये पता चला है कि पुलिस ने एक जन को हिरासत में लिया है। अच्छा, ये कुमार इंदर ये भी जानकारी दीजिए कि क्या जिसको हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ में ये सामने आया है कि कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोग जो जुआफड़ चला रहे थे उसमें कितने लोग वहां पर ये विवाद हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अभी पुलिस क्योंकि ये बड़ा मामला है तो पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जो हमें पता चला है उसमें ये है कि करीब करीब 20 से ऊपर लोग वहाँ पे जुए के फड़े में पहुंचे थे। ये लगभग 10 लाख से ऊपर का जुआ चल रहा था। और एक चीज और सामने आई है कि बबलू पंडा को जिस लोगों ने मारा था वो जबलपुर से ही पहुंचे थे। मौके से एक स्कूटी भी बरामद हुई है। उस स्कूटी का जब नंबर हमने चेक किया तो जबलपुर के भांतलई इलाके की निकली है। तो अभी कहना मुश्किल है कि किसने मारा है, क्या मारा है, लेकिन जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द इसमें खुलासा करेंगे। संभवतः अभी पुलिस इस मामले में सुबह कुछ कहे, 8-9 बजे तक पुलिस ने कहा है कि हम इस मामले में बताएंगे कि हमारी जांच में क्या क्या हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हत्या की वजह क्या है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा कुमार इंदर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बदमाशों ने बबलू पंडा को गोली मार दी है। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में ले लिया है।